इसको क्यों बुलाया तुमने यहाँ पे? इसको बुलाने की कोई सेंस बनती है? वो हम लोग जो है ट्रेंडिंग बंदे हैं भाई, ट्रेंडिंग बंदे। आजकल ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब का, ठीक। वहां पे जब ये खाने शुरू करके, पैसे इनके पास नहीं है, पैसे इन लोगों के पास नहीं है। 84 सालों बाद, 84 सालों बाद ये करिश्मा इन्होंने कर दिखाया जी, इन्होंने कर दिखाया करिश्मा। बात कर रहे हैं छोटे स्कोर बनने लाजमी है, छोटे स्कोर बनाओ। और पिद्दू बना दिया तुमने, पिद्दू। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे शो जीने दो टॉक के सीजन 2 में। सीजन 1 को आपने बेहद प्यार दिया और जिसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और जिन्होंने वो सीज़न अभी तक नहीं देखा है, जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वो सारा का सारा सीज़न देख सकते हैं। और हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के एपिसोड में। आज एक बहुत ही बेहतरीन एक पारी देखने को मिली इंडिया की तरफ से, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज चल रही है, और बाकमाल ये सीरीज रही है। इंडिया की जितनी तारीफ की जाए, मैं बताता हूँ कि वो बहुत कम है। जिस तरह से उन्होंने मैच को संभाला और जिस तरह से उन्होंने मैच को खेला, ये कुछ ऐसी बारियाँ होती हैं जहाँ पर हार और जीत मायने नहीं रखती। ये वो हार और जीत के जो एक दायरा, उससे बहुत आगे की बारियां होती हैं, इस तरह की जो हमें देखने को मिली है। और हमने इस पारी के ऊपर चर्चा करने के लिए बुलाया दो ऐसे शख्स को जो कि बहुत ही जानकार हैं अपने अपने मुल्कों में क्रिकेट के। तो दो हमने ऐसे जानकार बुलाए हैं जिनसे हम बात करेंगे आज के इस एपिसोड में। एक बुलाए हमने हिंदुस्तान की तरफ से और एक आए हैं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ से, तकल्लुफ रखते हैं। तो हम स्वागत करते हैं पाकिस्तान से जनाब शौकत खान साहब का। जी शौकत खान साहब, देखो जी, अगर आपने 36 वाली बात नहीं ना करनी, 36 रन पे जो लोग आउट हुए हैं, अगर आपने वो बात नहीं करनी है तो मैंने चले जाना जी स्टूडियो में से। करेंगे करेंगे जरूर, उसके बारे में हम बात करेंगे। और हमने हिंदुस्तान से बुलाया राजेश अरोड़ा जी को। जी राजेश अरोड़ा जी, इसको क्यों बुलाया तुमने यहाँ पे? इसको बुलाने की कोई सेंस बनती है? मैच मारा हुआ है, खेले हम लोग हैं, इन लोगों को बुलाने की कोई सेंस बनती है? मुझे बताओ है, बीच में बुला लेते हैं, इनका कोई काम कुम है नहीं, इनको ऐसे ही बुला लेते हैं बीच में। बेले बंदे हैं वहाँ पे, बेले बैठे हुए हैं अपने मुल्कों में, वहाँ पे कोई काम नहीं मिलता, यहाँ पे आ जाते हैं। आपने इनको क्यों बुलाया यहाँ पे? यहाँ पे इनको बुलाने की कोई सेंस बनती है बताओ मुझे। देखिए राजेश जी, चैनल वालों ने इन्हें बुलाया है क्योंकि दोनों मुल्कों में क्रिकेट बहुत पसंद किया जाता है और लोग चाहते थे, और चैनल वालों की डिमांड थी कि लोगों की डिमांड के ऊपर हम दोनों मुल्कों से जो विशेषज्ञ और जो जानकार हैं उन्हें बुलाएं। और ना होते 36 पे आउट, किसने कहा था 36 पे आउट होने के लिए? अभी जो तुम्हारे पानी उबल रहे हैं ना होते फिर। देखिए, हमने आपको यहाँ पर बहस करने के लिए, झगड़ा करने के लिए आपस में नहीं बुलाया। एक इतनी अच्छी पारी, एक अच्छा इतना अच्छा वर्ल्ड लेवल का क्रिकेट देखने को मिला है पूरी दुनिया को, हमने उसके ऊपर आपको चर्चा करने के लिए बुलाया। तो इनके वहाँ पे कोई एक ऐसा प्लेयर है जिसने जिसने ये इंडिया सीरीज के बारे में बात ना की हो, मुझे बताओ है? और हाईलाइट बाद में आती है, सबसे पहले इनका जो वहाँ पे यूट्यूब पे आया था इनका रिव्यू, सबसे पहले इनका पूरे का पूरे जितने बंदे हैं, मैं तो परेशान हो गया, इतने रिव्यू, जितने बंदे सारे वहाँ पे ये जॉब के नाम पे ये यूट्यूब इन्होंने कर दिया, इन्होंने शुरू कर दिया हुआ सबने, जितने बंदे सबके यूट्यूब चैनल, जितने बंदे वो देखी देखी सब, जो ये खां वो खां पता नहीं, सारे सारे के सारे जो मैच से पहले इनके हाईलाइट से पहले इन लोगों के वहाँ पे वीडियो आ जाते हैं। और आपने अब इसको यहाँ पे बुला लिया, बताओ। वो हम लोग जो है ट्रेंडिंग बंदे हैं भाई, ट्रेंडिंग बंदे। आजकल ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब का, ठीक है जी। इसने हमारे सारे बंदे, जितने हमारे जो क्रिकेट खेलने वाले हैं, सारे बंदे ने अपना काम कुम छोड़ा हुआ, काम है ही नहीं तो करना का। मेरी बात सुनो, काम था उन्होंने छोड़ा हुआ है, और उसके बाद जो सारे के सारे यूट्यूब चला रहे हैं, ट्रेंडिंग में है सारे। तुम लोगों के बंदों की तरह नहीं कि सारी उम्र जो क्रिकेट खेली गए, क्रिकेट 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 खेली गए, और उसके बाद जो है बाद में तेल बेचने वाली एड, मालिश मालिश करने वाली एड में, मशहूरी में काम करने लगे। और नहीं, ऐसा काम नहीं करते हमारी टीम। ओए देखिए, आप ये बातें बंद करें, मेरी आपसे गुजारिश है, हमने आपको यहाँ पर क्रिकेट के बारे में बात करने के लिए बुलाया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा राजेश जी, आपका क्या कहना है इस बारी के ऊपर? ओ जी, क्या बात कर दी आपने, क्या बात कर दी, मज़ा आ गया मैच देख के। ओ गाबा का ऐसा इन्होंने चाबा उतारा है, मैं बता रहा हूँ, ऐसा चाबा उतारा है इन्होंने। ओए होए होए,
ऐसा चाबा उतारा कि गाबा वालों ने बोल दिया ऑस्ट्रेलिया टीम को कि बात सुन लो टांगे तुम्हारे हमार जो है टांगे तोड़ देंगे अगर तुम लोग जो दोबारा गाबा में खेलने आ गए। ऐसा चाबा उतारा गाबा का होय मजा ही आ गया जी, मजा आ गया। ऐसा चाबा उतरता देख के गाबा में होय मैं कहा जी ऑस्ट्रेलिया वाले कंगारुओं की तरह ना जी ओए कंगारुओं की तरह जो छलांगे मार मार के भागा है इन्होंने। ओए हो क्या मजा, क्या सीरीज खेली है जी, क्या बच्चों ने सीरीज खेली है। ओए होए 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 गाबा का मैं कहा चाबा कर दिया इन्होंने चाबा। देखिए जी बात ऐसे 1902 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, ठीक है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो 36 रन बनाए थे बस, ठीक है। और तब के बाद जो है 84 सालों बाद ये करिश्मा इन्होंने कर दिखाया जी, इन्होंने कर दिखाया करिश्मा बात कर रहे हैं। खान साहब आप हिस्ट्री की बातें मत कीजिए। और हिस्ट्री की बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं, कौन सी हिस्ट्री, अभी की बात कर रहा हूँ, ये सीरीज की बात कर रहा हूँ। और इसमें दी इन्होंने ये ऑस्कर परफॉर्मेंस तुम्हारे ये छापा वालों ने। इनकी गलती नहीं है, जिन्हे तो टॉक वाले बात सुन मेरी, इनकी गलती नहीं है, इनके जो सिलेक्टर है ना पीसीएल के, जो इनके सिलेक्टर हैं वो चले गए जी अपने लाहौर में जो कच्ची पक्की गली है ना उधर चले गए जी कबाब खाने, जी कबाब खाने ओए वहाँ गए, वहाँ जाके जो इन्होंने बकरे पे बकरे इन्होंने पालने शुरू कर दिए, खाने शुरू कर दिए। और मैं बता रहा हूँ वहाँ पे जब ये खाने शुरू करके पैसे इनके पास नहीं है, पैसे इन लोगों के पास नहीं है, इनके सिलेक्टरों के पास पैसे नहीं, वो अब बकरे इन्होंने खा लिए, कबाब इन्होंने खा लिए, वो समझ ना आए कि अब करे क्या। और वहाँ पर उन्होंने पकड़ लिया सिलेक्टरों को, और वहाँ पे वो उनको लगे रहे चंबने, वहाँ पे उनको मारने लगे, उनको जब कूटने लगे ना तो उनके सिलेक्टरों में से बंदा बोला, कहता यार एक काम करो, पैसे नहीं है, हम एक काम करते हैं आपके बेटे को रख लेते हैं क्रिकेट टीम में। ओ बस जी क्या इतनी बोलने की बात थी, अभी वो जो इनकी टीम में घूम रहा 95 किलो का वही है वो कबाब वाले का, वो पक्की कच्ची गली वाले का वो लड़का, क्यों पूछ लो इससे। देखो जी इस बात में कोई मजाक नहीं, इस बात में जो बात सच है वो सच है, जो बात सच है वो सच है जी, इसमें लो जी इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है जी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। पर जो आपने 36 पे जो आपने मच्छी पकड़ी ना, 36 पे मच्छी पकड़ी ना जो आपने, वो काबिले तारीफ है मैं बताऊँ। ये आप क्या कर रहे हैं, आप लोग क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं आप। मैच के बारे में तो जी जितनी मर्जी बातें कर लो, ओए मैच के बारे में जितनी मर्जी बात कर लो, ओए तूफानी बारी तूफानी, मैं क्या मजा आ गया। ओए होए वो जो बंदे जो फटड़ हुए ना बंदे, ओए होए वो तो बहुत अच्छा करके गए, ठीक है, वो बाद में जो बंदे आए मैं क्या जी जहर बारी, ओए होए जहर बारी खेल के गए, और नए जो बच्चे आए ना ओए होए जहर बारी, मैं क्या बात ना करो मैच के बारे में, ये मैच जो है वो बात ना करो, चुप कर जाओ, बात ना करो बस। हा मजा आ गया, मजा आ गया। अब क्या हुआ आपको? ओ ये चाय में जो लची डाली रहा उसका स्वाद, ओए ओए मजा आ गया मैं बताऊं। वो स्वाद तो जी इनके पीसीएल में आता, मैं बता रहा हूँ एक एक घंटे बाद इनके सिलेक्टर चेंज हो जाते हैं एक एक घंटे बाद इनके सिलेक्टर चेंज हो जाते हैं जी। और मैं बता रहा हूँ अभी हमारी बात करते करते दो चार तो बंदे इनके चीफ सेलेक्टर चेंज हो गए होंगे, वहाँ पे आता है इन लोगों का स्वाद जी, इनके जो जो इतनी कमेटी है इनके पीसीएल में, मैं बताऊँ प्लेयरों के साथ कमेटी बड़ी करते हैं लोग, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। वो तो बुरे को छोड़, तू मेरी बात सुन, राय मैं देता हूँ देख। वो वगांडा से बंदे चार भाग गए, वगांडा से चार बंदे भाग गए, मैं बोल रहा हूँ पीसीएल वालों को बोलो रख लो टीम में, कम से कम तुम लोगों की जो फील्डिंग ही हो जाएगी सही, वो बड़े तेज भागते हैं उनको रखो मैं बता रहा हूँ। और कोई फायदा नहीं है जी उनको बुलाने का, वगांडा वालों को बुलाने का कोई फायदा नहीं है, और उनको भी जो है आधा एक भी नहीं एक दो तो बड़ी दूर की बात, आधा मैच खिला के जो है गैप कर देना जी टीम के बीच में से, गैप कर देना आधा मैच खिला के हमारे सिलेक्टरों ने, गैप कर देना बीच में से। देखिए शौकत साहब बात कहीं कहीं सही भी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पीसीएल में इतना स्ट्रगल क्यों हो चुका है? और रिश्तेदारियां निभा रहे हैं जी, रिश्तेदारियां निभा रहे हैं अपनी। और मेरे से सवाल किया उसने, मेरे से क्वेश्चन पूछा, बीच में तू खा मखा में बोल रहा है। देखिए दरअसल बात ऐसी है, केन विलियमसन लेटेस्ट मैच 238। देखिए अरोड़ा जी क्रिकेट में बड़े स्कोर बनने लाजमी बात है,
और यही तो मैं बता रहा हूँ मुद्दे की बात कि भाई छोटे छोटे स्कोर बनाने भी लाजमी बात है, और छोटे स्कोर बनने लाजमी है, छोटे स्कोर बनाओ। और पिद्दू बना दिया तुमने, पिद्दू है। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इन लोगों की बहस का कोई एंड है, कोई अंत है। ओ भाई समोसे वाला लड़का कहाँ गया, वो भी टीम में था, वो किधर गया तुम्हारा? आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोएस्ट स्कोर इन क्रिकेट हिस्ट्री। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और जो क्रिकेट सीरीज़ अभी हुई है उसके बारे में आपकी क्या राय है। आप ज़रूर अपनी राय रखें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी बाकमाल इनिंग्स इंडिया की तरफ से पेश की गई है, और जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और ये कुछ ऐसे मंजर है कि यहाँ पर हार जीत का कोई मायना नहीं है, ये हार जीत से बहुत आगे का खेल खेल गए हैं इस बार जो इंडिया टीम ने अपनी रिप्रेजेंट किया है अपने आप को, बहुत ही उमदा और बहुत ही लाजवाब है। इसी के साथ हम इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ बात करना चाहते हैं तो आप अपने ज़रूर वैल्यूएबल कमेंट्स हमें दीजिए, और तब तक आप जिए और दूसरों को भी जीने दें। शुक्रिया।